1.3, और 1.3 में आपके पास आएगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो टर्मिनेटिंग डिजिट क्या होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो जो डेसिमल होती है कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की। अब टू टाइप्स में कौन से आते हैं, तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट में कौन से आते हैं, तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग में तो क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 पावर m × 5 पावर n की फॉर्म में होगा। 2 पावर m × 5 पावर n में होगा कौन, डिनोमिनेटर, जिसको फ्रैक्शन आपके पास 12/20। तो 20 के हम यहां से प्राइम फैक्टर करेंगे, 20 की क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। 20 के 2 से डिवाइड किया 10, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो 2² × 5। तो देखो ये किस फॉर्म में है, 2 की पावर m × 5 की पावर, यहाँ कुछ नहीं है, तो 5 की पावर 1 तो ले सकते नहीं, यहाँ 5 की पावर कितनी ले सकते हैं, यहाँ 1, यानी 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में। सो डेट जो इस टाइप का है क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा, 12/20 इज, जो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा आपके पास, टर्मिनेटिंग होगा। यदि मान लो कि कोई डिजिट है वो 2 पावर m × 5 पावर n में है, साथ में अदर में, जैसे मान लो ये 2 पावर m × 5 पावर n साथ में 3 और आ जाए, जैसे 3 की पावर n आ जाए या k आ जाए, जैसे k आ जाए 3 की पावर k, n अदर 2 पावर m × 5 पावर n × 7 की पावर g आ जाए, पावरफुल जो पावर से, इसके लिए जी माना है, जहाँ पर m है जी सारे 0 से स्टार्ट होंगे, सारे कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से, यानी ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स में ले सकते हैं, m n g सारे, यानी प्लस में भी हो सकते हैं एंड माइनस में भी हो सकते हैं। यदि इस फॉर्म में है कोई तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब आपको ऐसे किस्मों का भी यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे, लेकिन आपके ये जाके आएगा 10th क्लास में, फिलहाल 9th क्लास में आपके ओनली डिविजन मेथड से पता लगाना है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को डिविजन मेथड से पता लगाएं, तो जैसे कोई डिजिट है उसके अंदर हम इनको वो करें डिविजन कर रहे हैं, तो डिविजन करते करते यदि लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाए, लास्ट में रिमाइंडर 0 आपके पास आ जाए, तो वो तो क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जब रिमाइंडर 0 आए तो क्या होगी, पॉइंट के आफ्टर यानी डेसिमल में जाने के बाद डिवाइड, इनकी डिवाइड को हम लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। यदि इनकी डिवाइड हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए डिवाइड में, जैसे मान लो ये यानी 5/20, अब इसको देखना है कि ये कौन से टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम 20 से इसको डिवाइड करेंगे 5 को, 20 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 5 को नहीं जाता है, तो 0 पॉइंट यूज करेंगे, पॉइंट यूज करते 0 आ गए। अब 2 टाइम 40 रिमेनिंग आ गए, 10 पॉइंट है, तो यहाँ 10 ले सकते हैं, ये 5 टाइम। यहाँ पर देखो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, इसमें 0 आ गया रिमाइंडर, तो ये क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये तो कौन सी मेथड आपके पास, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये तो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। और सेकंड मेथड आती है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के, तो 20 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 20 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 10, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 होल, तो ये 2 पावर 2 × 5 की पावर, यानी किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर m × 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और सेकंड आता है नॉन टर्मिनेटिंग, सेकंड कौन सा आता है, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर अभी अभी मैंने बता चुका हूँ, यहाँ पर जैसे कोई किसी के प्राइम फैक्टर करे डिनोमिनेटर में, वो फ्रैक्शन है आपके पास, और उस फ्रैक्शन में यानी कोई फ्रैक्शन आपके पास और उस फ्रैक्शन के अंदर, उस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है, उसके प्राइम फैक्टर करें, जैसे 30/21, तो 21 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो क्या बढ़ेगा, 21 के 3 7,
इसके क्या बन गए, 3 × 7 बन गए, तो ये किस फॉर्म में है, 2 की पावर m, 2 पावर m × 5 पावर n की फॉर्म में नहीं है ये, तो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट आएगी। ये तो क्या, कौन सी मेथड है, विदाउट यानी कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हम इसका पता लगा सकते हैं। और सेकंड आती है लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्या अब आपको इसमें डिवीजन करके देखना पड़ेगा, तो डिवीजन करके देखेंगे तो देखो इसके अंदर जब डिवीजन करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, कि रिमाइंडर जीरो पॉसिबल नहीं होगा, तो कौन सी होती है वो, टर्मिनेट यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होती है, साथ में रिपीट भी हो सकती है, साथ में रिपीट भी हो सकती है। जैसे 21 13 को डिवाइड कर रहे हैं 21 से, फर्स्ट टाइम ये डिवाइड नहीं जा रहा है, 0 पॉइंट या 0 लगाए 5 टाइम, रिमेनिंग सॉरी 6 टाइम 126, 440 में 1 टाइम, 90 में 1 टाइम चला जाएगा, 0 ले कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, नाइन टाइम 89, रिमाइंडर वन वन है तो 0 लगाया नहीं जा रहा, अगेन 0 0, ये 4 टाइम 16, 16 में देंगे 0, 160 में 7 टाइम, ये 13। तो कहां से स्टार्ट किए थे, 13 से लास्ट कहां पहुंच गए, 13 पर। और आगे भी हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 1 9 0 4। तो देखो इसकी रिपीट हो रही है, ये डिजिट हमारे पास क्या हो रही है, रिपीट हमारे पास। तो इसके इक्वल टू क्या लिखेंगे, 13/21 इक्वल टू 0.619047। फिर यहां पर आपको यानी इसी डिजिट का आगे क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, यानी इसी डिजिट का रिपीट होगा 619047। और इस प्रकार से रिपीट चलता ही रहेगा। तो इस प्रकार वाले जो होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन को, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है 1.3 में, 1.3 में भी ऐसे ही है, उसके अंदर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। किससे करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इच इज। और इसमें क्वेश्चन 5 है टोटल, 6 है टोटल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100, पहले तो इसको आपको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको इसमें फाइंड करना है। तो 100 से डिवाइड करेंगे 36, 0 पॉइंट कौन लेते हैं, 0 3 टाइम, 300 लेस करें 60 0 6 टाइम, 6 टाइम रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये क्या होगी, टर्मिनेटिंग। तो 36/100 इक्वल टू 0.36। और आगे आगे क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग। इस प्रकार से आप इसको शो कर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका, तो फर्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो कितना आ गया 0.36, यानी कि किस शेप में आ गई, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों होगी, क्योंकि इसके रिमाइंडर 0 हमारे पास आ चुका है, रिमाइंडर 0 आ चुका है इसका। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चनों को नोट करते जाना है होमवर्क में आपको। 1/11, 1/11, अब इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 1 को, 1 को क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है, 1 को 11 से डिवाइड करना है, नहीं जा रहा है डिवाइड, तो 0 पॉइंट क्या लेते हैं, 0 नहीं जा रहा है, बेबी एक और 0, 11 से डिवाइड करें 100 को, तो 9 टाइम 9 टाइम यानी 99, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। अगेन इसको डिवाइड करेंगे 0 9 99, रिमाइंडर 1। तो देखो आगे बस ये चलता ही इसका रहेगा, तो 1/11 इज इक्वल टू 0.09।
09। अब यहाँ पर कौन से डिजिट को आगे रिपीट हो रहा है? 09। इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? 0.09। इसके लिए बार का साइन लगा, तो बार का मतलब कि जैसे टू डिजिट पे हमने लगाया तो टू डिजिट का रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये किस प्रकार की आ गई? नॉन टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग क्यों है? टर्मिनेट एंड रिपीटिंग, एंड रिपीटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर यहां क्या है? जीरो नहीं है, जीरो नहीं है रिमाइंडर, तो ये क्या होगी यहां पे? नॉन टर्मिनेटिंग होगी, साथ में ये रिपीटिंग भी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड वाला। इसको आप समझ चुके हो, रिमाइंडर जीरो, यानी कि रिमाइंडर जीरो आए तो टर्मिनेटिंग, और रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, अगर कोई डिजिट आ रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग। वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आ रहा है आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 राइट 1/8। मिक्स फ्रैक्शन में, कौन से फ्रैक्शन में? मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 8 को 4 से डिवाइड करो, 4 × 8 + 1/8, 8 × 4 = 32, 32 में 1 को ऐड करो, 33/8। अब 8 से इसको हम डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं 33, 8 × 4 = 32, रिमाइंडर 1, डिवाइडर 1, यहाँ पॉइंट का यूज करेंगे, ये 0, 8 × 8, रिमाइंडर 2, 0 पॉइंट है तो 8 × 16, रिमाइंडर 4, 0 अगेन, 4 पॉइंट यूज है तो 8 × 5 = 40। तो इसका क्या आ गया डेसिमल एक्सप्रेशन आपके पास? 4.125। अब आप यहाँ से देख सकते हो, और आपको देखो एग्जाम जो नोटबुक में नोट करना है, तो डिवीजन को भी नोट करना पड़ेगा, जो डिवीजन है डिवीजन को भी यहाँ शो करना आपको पड़ेगा। तो इसका रिमाइंडर अब आपके पास क्या आ गया? जीरो आया रिमाइंडर, रिमाइंडर जीरो आया। तो इस प्रकार की टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। जब रिमाइंडर जीरो आता है तो टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर जीरो नहीं आए तो नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो रूल इसके चलेंगे। अब नेक्स्ट है फोर्थ वाला, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, तीन क्वेश्चन है जो आपको सेलेक्ट करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, इनको आप नोट कर लो। क्वेश्चन फोर्थ है 3/13, 3/13, तो ये इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगी? नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगी। फिफ्थ वाला है 2/11, 2/11, एंड नेक्स्ट है सिक्स वाला क्वेश्चन है 329/400। तो इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू करना है। कौन से मेथड से करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यदि रिमाइंडर जीरो आता है, रिमाइंडर जीरो आए तो आपको यह लिखना है टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर जीरो नहीं आए, रिमाइंडर कोई अदर डिजिट आए जीरो से अलग, तो आपको यह लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में रिपीट है और नॉन रिपीट है वो आपको लिखना है। रिपीट होगी तो आगे लिख देना रिपीटिंग, और नहीं है तो नहीं लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर देखो आपको ये दिया है, यू नो डेट 1/7, 1/7 की आपको वैल्यू है आपके पास 0.142857। ये बात का साइन है, यानी रिपीटिंग है। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expressions of
एक्सप्रेशन, सो एक्सप्रेशन ऑफ 2 बाय 7, 3 बाय 7, 4 बाय 7, 5 बाय 7, 6 बाय 7, 6 बाय 7 आर विदाउट एक्चुअली without actually 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 doing the long division if long division if आगे एक क्वेश्चन में if so how, if so and आगे दे रखा है how, यानी क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन में कहें you know that आप जानते हो 1/7 की वैल्यू है आपके पास, can you predict, तो क्या आप इनको फाइंड कर सकते हैं इसका डेसिमल एक्सप्रेशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, तो इसका हमारे को डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड करने तो आपको यह क्वेश्चन सिंपल है, देखो यानी सॉल्यूशन में देखते हैं आपको गिवन में आपके पास क्या है, गिवन है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, रिपीटिंग डिजिट है, रिपीटिंग है साथ में, साथ में किस टाइप की है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है 2/7, 3/7, तो देखो इन सबका जो डिनोमिनेटर है, सबका इन सभी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, इसका भी कितना था 7 था, तो अब आपको यहां से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/7 की फाइंड करेंगे तब, एंड 3/7 की फाइंड करेंगे तो इसको 3 से इनटू कर देंगे, तो सेकंड नंबर पे आपको निकालनी है 2/7, तो 2/7 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 × 1/7, और 1/7 की वैल्यू है आपके पास कितनी है 0.142857, सॉरी 2 से इसको इनटू कर दिया 2 × 1/7, तो 2 से इसको इनटू कर देंगे इस वैल्यू को 2 × 0.142857, 2 से इनटू करेंगे 7 × 14, 5 × 10, 11, 8 × 16, 17, 2 × 4, 5, 4 × 8, और 2 × 0, 0.2857 14, तो ये आ जाएंगे हमारे पास इसके नंबर, ऐसे हम फाइंड करेंगे 3/7 की, अब 3/7 को क्या लिखेंगे 3 × 1/7, तो इस नंबर को कितने से इंटू कर देंगे 3 से, यानी 3 × 0.142857 इंटू किससे करेंगे इसको 3 से, यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो नेक्स्ट देखो 3 से इंटू करेंगे 7 × 3 = 21, 2 × 5 = 15, 15 + 2 = 17, 1 × 8 = 24, 24 + 1 = 25, 3 × 6 = 2, 8, 4 × 3 = 12, 0.4257, इस पे ये रिपीटिंग साइन आपको यूज करना है, इसको बार भी कहते हैं, रिपीटिंग साइन भी इसको हम कह सकते हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 3/7 का 0.42857। इस प्रकार से आप 4/7 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 5/7 की एंड 6/7 की, ये आपको सेल्फ करके देखनी है, इस प्रकार से एक बार और देख लो, इन 1/7 की वैल्यू है 0.42857, तो अब आपको 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको 2 से इनटू कर देंगे और रिपीटिंग साइन का हम यूज करेंगे, नेक्स्ट है 3/7 है, इसको 3 से इनटू कर दिया तो रिपीटिंग साइन, अब आगे आपको वैल्यू फाइंड करना है।
और आगे आगे देखो, इसका जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर क्या है, बोली 7 है आपके पास, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 7 आया। यदि आपके पास इसका डिनोमिनेटर आता क्या 2 × 5 की फॉर्म में होता, 2 × 5 की फॉर्म में होता डिनोमिनेटर, ठीक है, हो जाती टर्मिनेटिंग में इसको हम शामिल कर सकते थे। लेकिन अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन को नोट भी करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है, जो आपको एक क्वेश्चन मिले होमवर्क में वो भी इसके साथ कंप्लीट आपको करनी है, वो भी आपको कंप्लीट करनी है। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, थर्ड इंपॉर्टेंट नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू की फॉर्म में इनको शो करना है। थर्ड वन, एक्सप्रेस एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू, पी बाई क्यू की फॉर्म में फॉलोइंग को, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि 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 वैल्यू आपके पास क्या है, जीरो नहीं है, कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आपके पास, जो फर्स्ट है 0.6, 0.6 इस पे रिपीटिंग साइन है। तो सबसे पहले देखो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसके रूल आप देख लो। सबसे पहले डिजिट में से बार का साइन है, यानी कि रिपीटिंग साइन है, इसको ऐसे रिमूव करेंगे तो रिपीटिंग कौन से डिजिट की होगी जिसके ऊपर ये रिपीटिंग साइन यूज हो रहा है, जिसके ऊपर रिपीटिंग साइन यूज हो रहा है उसी डिजिट को आपको रिपीटिंग करना है। जैसे इसको सबसे पहले एक्स इक्वल टू 0.666, तो हमने यहाँ पर कौन से क्या रिपीटिंग की है, 6 की, कौन से क्या रिपीटिंग की है, 6 की, तो 666 इसको मान लिया आपने फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको चलना है, अगर रूल देख लो आगे, जैसे मान लो कि ये बार, यानी जो रिपीटिंग साइन है ओनली, जैसे मान लो 1 डिजिट पे, किस पे आ रहा है, 1 डिजिट पे आ रहा है, 1 डिजिट पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिजिट पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि 2 डिजिट पे आए, 2 डिजिट पे आई बार साइन, यानी रिपीटिंग साइन 2 डिजिट पे आए तो 100 से इंटू करेंगे, और 3 डिजिट पे आए तो 1000 से, 4 डिजिट पे आए तो 10,000 से, तो इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। जैसे मान लेंगे 10 डिजिट पे आ जाए, 10 डिजिट पे आए तो 10 की पावर 10 से इसको इंटू कर लेंगे, ये शॉर्ट हो जाता है। फिर आप जितनी डिजिट है, जितने पे रिपीटिंग साइन है, जितने डिजिट पे उसी 10 की, जो 10 के आपके पास मल्टीपल्स है उससे हम इंटू कर देंगे यहाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो अभी आप इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, और इक्वेशन फर्स्ट वी मल्टीप्लाई, यहां क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई, यानी कि क्या लिखना है आपको, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, बाय 10, 10 से इसको मल्टीप्लाई क्यों करने हैं, क्योंकि हमारे पास ओनली इसमें 1 डिजिट पे है रिपीटिंग साइन है, सो दैट मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। अब इसको 10 से इंटू कर दो, ये तो LHS से, LHS को भी इंटू करना है, RHS को भी इंटू करना है, LHS को इंटू करेंगे 10 से, तो 10x इंटू 10 इंटू 0.666 कितने टाइम में, तो 10x इक्वल टू 10 को इंटू कर रहे हैं तो 0.1 डिजिट आपके आ जाएगा यहाँ पर। यदि 100 से इंटू करते हैं तो 2 डिजिट आपके पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, यदि
यानी यदि 1000 से आप इंटू कर दे तो 3 डिजिट आफ्टर, तो लेकिन यहाँ पर 1 डिजिट आफ्टर उल्टा जाएगा 6.66, ये इक्वेशन सेकंड हमारे पास, कौन सा इक्वेशन बन गया है, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में देखो यहाँ पर पॉइंट के आफ्टर 7 डिजिट रखनी है फर्स्ट और सेकंड में, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए इसमें 1, 2, 3 डिजिट है पॉइंट के आफ्टर, इसमें पॉइंट के आफ्टर 1, 2, 3 डिजिट है आपके पास। अब यहाँ पर आपको करना है इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट को, नेक्स्ट स्टेप सभी क्वेश्चनों में एक समान आएगी, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, यहां से क्या करेंगे इसको लेस कर देंगे, तो यहां पर भी ध्यान रखना ये LHS है, ये भी कौन से आपके पास LHS, ये RHS, यहां ध्यान रखना LHS में से ओनली LHS को ये हम माइनस करेंगे, तो 10x माइनस x LHS में LHS, 10x माइनस x इक्वल टू, फिर आपको लेना है RHS में से RHS को माइनस करना है, तो 6.666 पॉइंट के आफ्टर 3 डिजिट माइनस 0.666, अब 10x में से 1x को लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x, और 6.666 में से 0.66 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.00, तो इन जीरो का तो कोई इंपोर्टेंस नहीं है, ओनली आर डिजिट कौन से आ जाएगी 6, और x इक्वल टू बाय डीपी कर दो 6 का तो 6/9, इसको आगे कट कर सकते हैं तो कट किससे होगा ये 3 के टेबल से, तो 2/3, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2/3, यानी 0.6 रिपीटिंग है इक्वल टू 2/3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 आपके पास है। सभी क्वेश्चनों में एक सेम चल रहा है, जैसे यहाँ पे पॉइंट जो रिपीटिंग डिजिट है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1 डिजिट पे है केवल 1 डिजिट पे है तो 10 से 2 डिजिट पे, यदि रिपीटिंग साइन है तो 100 से 3 डिजिट पे है तो 1000 से, इस प्रकार से आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो करना है वो ये आप नोट करो, जैसे 0.6 वाला मैंने किया तो आपको ये करना है प्रैक्टिस में 0.3, ये क्वेश्चन आप एक करके देखोगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के थर्ड का फर्स्ट में भी करवा दिया है, सेकंड और थर्ड और है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, इनको नोट करो प्रैक्टिस करनी है इनकी।